अगर आपके पास भी सैमसंग कंपनी की मोबाइल है, खास करके ओल्ड मॉडल का मोबाइल है, और आपके मोबाइल की जो स्टोरेज है वो बहुत ही जल्द भर जाता है, चाहे आपके मोबाइल के अंदर आप ज़्यादा एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके रखो या फिर ना रखो, हो सकता है आप अपने मोबाइल के अंदर सिर्फ व्हाट्सएप या फिर फेसबुक को यूज करते हो, फिर भी आपकी मोबाइल की जो स्टोरेज है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, वही मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिख रहा हूँ मेरे पास जो मोबाइल फ़ोन है इसका मॉडल नंबर क्या है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास फिलहाल जो मोबाइल फ़ोन है ये है सैमसंग गैलेक्सी ON5। इसका जो प्रॉब्लम है आप यहाँ पे खुद देख सकते हो, इसके अंदर ज़्यादा कुछ भी एप्लीकेशन नहीं है, फिर भी इसका जो स्टोरेज है ये काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। मैं लगभग आधे घंटे पहले अपने मोबाइल को रिसेट किया है, इसीलिए यहाँ पे आप देख सकते हो 65% स्टोरेज यूज हुआ है, लेकिन रिस्टार्ट करने से पहले मेरे मोबाइल के अंदर बस फेसबुक और व्हाट्सएप था, फिर भी यहाँ पे जो स्टोरेज है वो यहाँ पे 95% यूज हुआ था। रिस्टार्ट करने के बाद यहाँ पे 65% है। इसका जो रैम है आप यहाँ पे देख सकते हो 1.5 GB का रैम है, 66% जो है वो यूज हो चुका है। तो आपके साथ भी ऐसा होता है तो आपको यहाँ पे जो करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे इस रैम के ऑप्शन पे आना है। आने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है आदर्श, आदर्श की साइड पे यहाँ पे एक लोगो दिखाई दे रहा है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। तो आपके पास यहाँ पे उन सारी एप्लीकेशन शो हो जाएगा जो अभी रनिंग है। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले जो करना है, बीच बीच में जब भी आपको टाइम मिले तो आपको यहाँ पे आना है। आने के बाद आपको यहाँ पे नीचे की तरफ एक ऑप्शन मिल जाता है इन ऑल, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। तो आपके पास ये सारे के सारे जो एप्लीकेशन वो रन कर रहा था वो यहाँ से हट जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपकी जो रैम है वो पहले 66% था, अभी यहाँ पे 56% हो चुका है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे बीच बीच में आके इसे क्लीन करते रहना है। उसी तरह से यहाँ पे स्टोरेज जो है इस पर भी आपको आना है। आने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है अननेसेसरी डाटा, और इसके नीचे एक ऑप्शन है डिलीट। आप इसके ऊपर क्लिक करके आप अपने मोबाइल के अंदर जितनी भी अननेसेसरी डाटा ऑटोमेटिक बन जाता है उन फाइल को आप यहाँ पे डिलीट कर सकते हो। डिलीट करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो आपकी जो यूज हुआ स्टोरेज है उसका भी जो परसेंटेज था वो पहले से यहाँ पे घट चुका है। और एक प्रोसेस है, उसके लिए आपको यहाँ पे जो करना है, सबसे पहले आपको आपकी मोबाइल की जो फाइल मैनेजर है उसके अंदर आना है। आने के बाद आपकी यहाँ पे डिवाइस स्टोरेज और आपने अपनी मोबाइल के अंदर किसी भी मेमोरी कार्ड को लगा के रखा है तो उसका भी स्टोरेज आपके पास हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास यहाँ पे बस डिवाइस स्टोरेज ही है। मैं अभी इस टाइम पे अपने मोबाइल के अंदर कोई भी एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड को यूज नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मेरे पास यहाँ पे बस डिवाइस स्टोरेज ही दिखाई दे रहा है। तो आपको यहाँ पे जो करना है, आपको यहाँ पे सबसे पहले डिवाइस स्टोरेज के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर की तरफ आपको एक ऑप्शन मिल जाता है एंड्रॉयड, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। आपने जितना सारा एप्लीकेशन का यूज करोगे उस हिसाब से आप एंड्रॉयड फोल्डर के अंदर एक ऑप्शन मिलता है डाटा। आप इसके ऊपर जैसे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपने जितना सारा एप्लीकेशन को यूज किया है अपने मोबाइल के अंदर उस हिसाब से आपके पास यहाँ पे वो सारे के सारे फोल्डर यहाँ पे बन जाएगा, और इसके अंदर कुछ ना कुछ डाटा मिलेगा। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था, मैं कुछ ही टाइम पहले लगभग आधे घंटे पहले अपने फ़ोन को रिस्टार्ट किया था, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा फोल्डर अभी तक नहीं दिख पा रहे हो आप। लेकिन आपके पास यहाँ पे बहुत सारा फोल्डर होगा, बहुत सारा ऐसे कैची फाइल होगा जो आपकी मोबाइल की जो स्टोरेज है उसे कवर कर लेता है। तो आपको यहाँ पे जो करना है, आपको यहाँ पे डाटा वाला जो फोल्डर है इसे भी बीच बीच में आके आपको डिलीट कर देना है। तो आपकी फ़ोन की जो स्टोरेज है उसका स्पेस पहले से ज़्यादा खाली हो जाएगा। आपने मोबाइल की स्टोरेज को खाली करने की और एक लास्ट प्रोसेस है, उसके लिए आपको यहाँ पे आपकी मोबाइल की सेटिंग ऑप्शन पे आना है। आने के बाद आपको यहाँ पे जो करना है, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा एप्लीकेशन का, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सबसे पहले एक ऑप्शन मिल जाता है एप्लीकेशन मैनेजर, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे वो सारे के सारे एप्लीकेशन शो हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो मैं एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रखा है व्हाट्सएप। आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे इस तरह से एक पेज खुल जाएगा। आपको यहाँ पे जो करना है, आपको यहाँ पे सिंपल सा यहाँ पे जो स्टोरेज का ऑप्शन देख पा रहे हो सबसे पहले आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। तो आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन हो जाएगा चेंज का, आप जैसे उसके ऊपर क्लिक करोगे। लेकिन मैं यहाँ पे अभी कोई भी मेमोरी कार्ड को नहीं लगा के रखा है, इसलिए यहाँ पे चेंज का ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है। तो आप जैसे चेंज के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास दो ऑप्शन हो जाएगा, एक है इंटरनल मेमोरी और दूसरा है मेमोरी कार्ड। तो आपको यहाँ पे मेमोरी कार्ड को सिलेक्ट कर लेना है, जिसकी वजह से ये जो व्हाट्सएप का एप्लीकेशन है ये आपकी मेमोरी कार्ड के अंदर से लॉन्च होगा। इसी तरह से आप जितने भी बड़े बड़े एप्लीकेशन को अपने मोबाइल के अंदर डाउनलोड करके रखोगे उसे मेमोरी कार्ड के अंदर मूव कर देना है। तो आप इन चार प्रोसेस को फॉलो करोगे तो आपकी मोबाइल की जो स्टोरेज है वो हमेशा लिमिट पे रहेगा, और आपकी मोबाइल की जो रैम है और उसका जो स्टोरेज है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। तो आपको हमेशा कोशिश करना है कि आप ज़्यादा एप्लीकेशन को अपने मोबाइल के अंदर इंस्टॉल ना करके रखो, और फिर भी आपकी मोबाइल की स्टोरेज है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है तो कुछ टाइम छोड़ छोड़ के। तो आपको जो करना है, कुछ टाइम छोड़ छोड़ के अपने मोबाइल को रिसेट करते रहना है।
तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की और भी नए नए वीडियो को देखना चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास में आई हुई घंटी को दबा लीजिएगा, ताकि आने वाला टाइम पे मैं कोई भी वीडियो को अपने चैनल के ऊपर पोस्ट करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सीधे आपकी मोबाइल तक चला जाएगा। और इस टॉपिक की ऊपर आपके मन में कोई भी ऐसा सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके पूछ सकते हो, आपको आपके सवाल की जवाब 24 आवर के अंदर मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे आगे इससे भी बढ़िया इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।